फैशन मेकअप ब्यूटी हिंदी वीडियोस के लिए पर्की मेक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटा बटन दबाना ना भूलें नए वीडियो की अपडेट्स के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ मेघा एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन मेकअप और ब्यूटी की। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ब्लू स्मोकी आई मेकअप कैसे करते हैं, क्योंकि ये पार्टी और वेडिंग सीजन है और स्मोकी आईज आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छी लगती हैं इस सीज़न में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्राउज हम करेंगे, जिसके लिए मैं स्लीक ब्राउ किट यूज़ करूँगी। आप कोई सा भी ब्राउ किट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले वैक्स पार्ट से मैं गैप्स फिल करूँगी इस तरीके से। पहले आउटलाइन बनानी है और उसके बाद इस तरह गैप्स फिल करना है एंड देन इसको पाउडर पार्ट से सेट करना है। हमारे ब्राउज अब हो गए हैं। उसके बाद मैं आई शेडो लगाने से पहले एक प्राइमर लगाऊंगी, जिसके लिए मैं कंसीलर यूज़ करूंगी। ये एले प्रो HD का कंसीलर है और शेड है क्रीमी बेज। इसको मैं छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूंगी एंड देन पाउडर से सेट करूंगी। उसके बाद मैं ये एनास्टासिया बवली हिल्स का मॉडर्न रेनेसेंस पैलेट यूज़ कर रही हूँ और ये शेड मैं अपने क्रीज में सबसे पहले लगाऊंगी। उसके बाद मैं ये ऑरेंज शेड लगाऊंगी सो दैट क्रीज एरिया थोड़ा सा डीप हो जाए और एक डिफाइंड आई शेप आ जाए। उसके बाद मैं ये प्लम टाइप का शेड क्रीज में लगाऊंगी और उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगी आउटर साइड में। तो आप देख रहे हैं एक आई का शेप आता जा रहा है। उसके बाद ये पैक का मैं आई शेडो ओनली ऑन द आउटर वी लगाऊंगी इस पेंसिल ब्रश से, जिससे एक डिफाइंड लुक आ जाएगा स्मोकी आईज के लिए। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं ये कीको का आई शेडो स्टिक ब्लू कलर में यूज़ करूंगी, जो एज अ बेस एक्ट करेगा ब्लू आई शेडो के लिए। इसके बाद अगेन ब्लेंड करना है अच्छे से, कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए, क्रीज एकदम सीमलेस होना चाहिए। उसके बाद ये कलर पॉप का सुपर शॉक आई शेडो है, जिसका शेड है कोकोनट। ये बहुत ही सुंदर ब्लू आई शेडो है, पार्टीज़ में बहुत अमेजिंग लगता है। ये यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम स्टोर से ले सकते हैं। उसके बाद मैं काजल से अपर वाटर लाइन टाइट लाइन कर रही हूँ और मैं ये प्लम का काजल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा लगाऊंगी और उसके बाद मैंने ये हुडा ब्यूटी लैशेस स्कारलेट लगा ली हैं। उसके बाद फेस को हम सबसे पहले प्राइमर से तैयार करेंगे, ताकि एक स्मूथ बेस मिल जाए मेकअप के लिए। तो ये मेबलिन का बेबी पोर इरेजर प्राइमर है, जिससे मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ। उसके बाद कलर करेक्टिंग के लिए मैं एक फ्रीडम का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं पिंपल मार्क्स, डार्क सर्कल्स और कोई भी पिगमेंटेशन जो होती है फेस में, उस पर लगाऊंगी। उसके बाद मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 310। इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से पैट कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लुक ना आए और एकदम नेचुरल लगे। उसके बाद हम कॉन्टूरिंग करेंगे, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है। तो अच्छे से कॉन्टूरिंग के लिए मैं ये एले गर्ल का ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं ये डबल चिन छुपाने के लिए भी यहाँ यूज़ करूँगी और हॉलो ऑफ माय चीक्स यूज़ करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद एले प्रो HD का लाइट कंसीलर, जिसका शेड है क्रीमी बेज, में अंडर आइज़ में, फोरहेड में और ये नाक के ऊपर ऐसे और चिन पे लगाऊंगी। इससे क्या एक अच्छा सा हाइलाइटेड लुक आ जाता है और इसे कहते हैं कॉन्टूरिंग एंड हाइलाइटिंग। तो इसको पहले मैं ब्रश से ब्लेंड करूंगी और उसके बाद मैं पैक के छोटे ब्लेंडर से इसे यूज़ करूंगी, इसे मिनी ब्लेंडर बोलते हैं, और इससे बहुत ही अच्छे से कंसीलर ब्लेंड हो जाता है। नाउ ये सारे हाइलाइटेड कंसीलर को सेट करने के लिए हमें एक पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं लॉरा मसीयर ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रही हूँ और इसे 5 मिनट रखना है बस, और उसके बाद मैं इसे ब्रश से रिमूव कर देंगे। इस टेक्निक को बेकिंग बोलते हैं। इससे आपके हाइलाइटेड एरियाज बिल्कुल सेट हो गए और कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद मैं मैक जिंजरली ब्लश को एज अ ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। नाउ लोअर लैशेज में फर्स्ट मैं ये प्लम का काजल लगाऊंगी और उसके बाद में जो भी आई शेडोज हमने क्रीज में यूज़ किए थे, वो सारे लोअर लैशेज में लगाऊंगी, ताकि अच्छे से एक स्मोकीनेस आ जाए लोअर लैशेज में। उसके बाद मैं ये ब्लू काजल लगा रही हूँ, जो कि कलर पॉप का है, एंड देन इसे अच्छे से मैं अगेन ब्लेंड कर रही हूँ।
तो आप देखेंगे ये स्मोकी आइज़ बहुत अच्छी तरह से हो गई हैं। उसके बाद ये क्योंकि ये स्मोकी आइज़ हैं तो लिप्स हमको बहुत ही न्यूड रखने हैं, तो आप कोई सा भी न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले ये बोर्जुआ का न्यूड लिप लाइनर लगा रही हूँ और उसके बाद ये है निक्स की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड सैन पोलो, जो बहुत ही लाइट पिंक शेड है। और फाइनली ब्लश के लिए मैं ये मॉर्फी का 9B पिंक ब्लश यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं ये कलर पॉप का विस्प हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं चीक्स के टॉप पे लगाऊंगी और थोड़ा सा फोरहेड पे लगाऊंगी, थोड़ा सा नोज पे, ताकि अच्छे से एक शाइनी ग्लो आए फेस पे। तो दोस्तों इस तरह आप इजीली ब्लू स्मोकी आई मेकअप कर सकते हैं पार्टीज़, वेडिंग्स के लिए। और ये पार्टी सीजन है पूरा दिसंबर का, जनवरी का, तो आप इसमें इस तरह का मेकअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और फैशन मेकअप वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर्की मेक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलती हूँ आपसे अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में।